हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ के एलआरडीई द्वारा एक आरएफआई को इशू किया गया है एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के रडार के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, डीआरडीओ द्वारा एक इंडिजिनस एपीएस सिस्टम जो है उसे डेवलप किया जा रहा है हमारे टैंक्स के लिए और आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज जो है वो देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल जो है वो अभी भी चल रहा है, 23 से 30 तारीख तक वैलिड है और यहाँ पर आपको 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो खाली 299 में मिल जाता है, जो कि यूजुअली 3000 रुपीज़ का है, वो भी खाली 30 डेज़ का। तो यहाँ पर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ ये खाली 299 में मिल रहा है। तो अगर आपको नीट यूजी का कोर्स लेना हो, चाहे आपको आईआईटी जेई की तैयारी करनी हो, चाहे आप 8वीं से 12वीं में पढ़ रहे हो, आपके लिए सारे प्लान्स हैं। साथ ही साथ हमने बताया था कल तक आपके लिए 20% ऑफ भी होता अगर आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 यूज़ करते, तो 299 में भी आपको 20% ऑफ मिल जाता मैट्रिक्स 10 रेफरल कोड यूज़ करने की वजह से। यहाँ पर ये बात आपको बता दें कि ये जो ऑफ़र था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 तक, यानी कि 30 तक अगर आप लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत कोई भी प्लान लेते हैं तो 299 पर भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 यूज़ करने पर। तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिए, रेफरल कोड है मैट्रिक्स 10, तो मौके का फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो सबसे कम दामों में आप ले सकते हैं। तो जितने भी मॉडर्न टैंक्स हैं वो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ आते हैं, क्योंकि आजकल जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं उनसे खतरा जो है वो बढ़ गया है। और जैसा कि हम रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देख सकते हैं, कई वेल प्रोटेक्टेड और मॉडर्न रशियन टैंक्स जो हैं वो यूक्रेनियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का शिकार हुए हैं, जिसमें यूक्रेन द्वारा जेवलिन और एनलॉ जैसी मिसाइल्स जो हैं वो यूज़ करी गई हैं। तो इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स से बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर टारगेट करती हैं जो कि कम प्रोटेक्टेड हों, और इनका वॉरहेड ऐसा होता है कि ये जो सरफेस है टैंक का उसे पेनिट्रेट करने में सक्षम रहता है। तो ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं और बहुत बड़ा खतरा जो है वो निकल कर सामने आ रही है इन टैंक्स के लिए, क्योंकि इनके अगेंस्ट में सिचुएशनल अवेयरनेस को भी रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये शोल्डर पर रख के फायर करी जा सकती हैं, तो फायर करने वाला कहीं भी हो सकता है, कहीं से भी स्निक करके एकदम से आगे निकल कर फायर कर सकता है। तो यहाँ पर हम जितने भी रिसेंट अर्बन कॉम्बैट्स को देखें वहाँ पर हमने ये नोटिस किया है कि ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स हैं ये आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो आर्मर्ड व्हीकल्स या फिर टैंक्स में एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाए। तो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक सॉफ्ट किल एक हार्ड किल। तो सॉफ्ट किल में सिंपली क्या होता है कि अगर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो किसी टैंक की तरफ आ रही है तो उसमें ये सिस्टम जो लगा हुआ है वो कोशिश करेगा कि बिना फिजिकली मिसाइल को टच किए हुए उसके गाइडेंस सिस्टम को डिसरप्ट किया जाए ताकि मिसाइल जो है वो टारगेट को मिस कर जाए। वहीं पर जो हार्ड किल सिस्टम होता है उसमें फिजिकली वॉरहेड जो है वो फायर किए जाते हैं इनकमिंग मिसाइल की तरफ, जिससे उनको टैंक के पास आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, और अगर आपको इतनी एक्यूरेसी चाहिए तो यहाँ पर सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको बेटर रेडार्स चाहिए, ईओ सेंसर्स चाहिए जो कि हमेशा चारों तरफ नज़र बना के रखते हों, साथ ही साथ ऐसे पावरफुल कंप्यूटर चाहिए अच्छी खासी कंप्यूटेशन पावर के साथ जो कि थ्रेट को कैलकुलेट कर पाएँ इन सेंसर से आ रही इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, और उसके अगेंस्ट जो काउंटर मेजर हैं उन्हें डिप्लॉय कर पाएँ। तो थ्रेट एनालिसिस के लिए जो सेंसर चाहिए उसमें प्रमुख सेंसर जो है वो रडार है, और ये बेसिकली मिलीमीटर वेव रडार होता है, और बाकी ईओ सेंसर तो साथ में है ही। तो एक्यूरेट जो इनकमिंग वॉरहेड है उसकी जानकारी यहाँ से आती है। तो कई तरह के एपीएस सिस्टम जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो इजरायली ट्रॉफी सिस्टम है, जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है, और ये अमेरिका द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ रशिया की साइड पे जो सबसे फेमस है वो अफगानित एपीएस सिस्टम है, जिसको T-14 अर्माटा पे यूज़ किया जाता है। तो एपीएस के लिए ये बात कही जाती है कि इनमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, टॉप अटैक के अगेंस्ट में ये ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं, और ज़्यादातर जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो टॉप अटैक के थ्रू ही आती हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे वीकर सेक्शन होता है आर्मर का। तो ये कमी है जिसको कहा जाता है कि जो अफगानी सिस्टम है T-14 अर्माटा का वो सॉल्व करता है। साथ ही साथ ये हाई स्पीड APFSDS राउंड के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते हैं, लेकिन अफगानित के लिए ये बात भी कही जाती है कि अगर मैक 5 तक की स्पीड पर कोई राउंड जो है वो फायर किया जाता है अफगानित सिस्टम से लैस किसी टैंक पर, तो वो उसे रोकने में सक्षम रहेगा।
और कहा जाता है कि फ्यूचर में मैक 8 की स्पीड से भी अगर कोई राउंड उसकी तरफ आ रहा होगा तो ये उसे भी रोकने में सक्षम होगा। लेकिन ये सब क्लेम्स हैं। प्रैक्टिकली APFSDS राउंड को और टॉप अटैक को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और DRDO द्वारा जो APS बनाया जा रहा है वहाँ पर ये कोशिश करी जाएगी कि ये टॉप अटैक और APFSDS राउंड से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम हो। तो अगर आप यहाँ पर RFI को देखेंगे तो वहाँ पर 25 डिग्री का एंगल रखा गया है रडार की माउंटिंग में, यानी कि वो ऊपर से भी आते हुए टारगेट पर नज़र बनाने में सक्षम होना चाहिए। और अगर आप डायग्राम को यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो रडार की पोजीशन है वो चारों डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर 360 डिग्री कवरेज जो है वो मिलेगी। पर ये रिक्वायरमेंट पर कितना खरा उतरता है ये आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो चैलेंज यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है ये इतना ईजी नहीं है। बात करें प्रेजेंट की तो हमारे द्वारा कौन सा APS यूज़ किया जाता है, प्रेजेंटली हमारे द्वारा कुछ यूज़ नहीं किया जाता है। पीच में कोशिश करी गई थी जहां पर साब के लीड्स सिस्टम को लगाने की बात कही गई थी, पर वो चीज़ कहां चली गई उसका अभी पता नहीं है। तो हम रशियन टैंक्स को यूज़ करते हैं बड़े नंबर में, जहां पर T90 हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रशिया के पास T90 के लिए कोई APS जो है वो अवेलेबल नहीं था। रशिया द्वारा अरीना APS सिस्टम जो है वो बनाया गया था, जो कि एक हार्ड किल APS सिस्टम था। इसके पहले रशियन T90 में स्टोरा 1 APS सिस्टम था, जो कि एक सॉफ्ट किल APS सिस्टम था। तो यहाँ पर अगर हम इंडियन T90s की बात करें तो हमारे T90s जो हैं वो दोनों ही लैक करते हैं। तो ये जो APS सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ये नई नहीं है, ये 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और अनफॉर्चुनेटली अब जाकर यहाँ पर एक RFI निकला है जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ DRDO द्वारा काम किया जा रहा है। ऑल्दो अगर ये APFSDS और टॉप अटैक मोड में जो मिसाइल्स हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम होता है तो इस डिले की यहाँ पर थोड़ी बहुत तो भरपाई हो जाएगी। पर फिर भी अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचें तो कम से कम यहाँ पर 3 से 4 साल का समय जो है वो लगेगा, क्योंकि एक बार सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा फिर उसकी टेस्टिंग का जो पीरियड है वो भी हमारे यहाँ लंबा होता है। तो ये समय और भी लंबा लगने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि बिना APS के जो मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल्स हैं या फिर टैंक्स हैं उनकी हालत क्या होती है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। होपफुली चीज़ें समय पर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।